लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। उन्नाव लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। बीजेपी ने साक्षी महाराज तो सपा ने अन्नू टंडन को मैदान में उतारा है और बसपा से अशोक पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्नाव की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने लोगों का हाल जाना है, सुनिए। राजधानी लखनऊ से सटे जनपद उन्नाव का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ के सपूतों ने जब कलम उठाई तो ऐसी साहित्य की रचना की जो देश से लेकर विदेश तक लोगों के जहन में आज भी बना हुआ है। राजनीति का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आप इस वक्त हम उन्नाव में कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, यहाँ की जनता है, आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार उन्नाव की जनता किस तरह की नई राजनीति इबारत लिखने वाली है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दीक्षित है। दादा किस मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? हमारा एक है मुद्दा है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मोदी ने वादा किया था 10 साल पहले हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे और हम लोग भी बहुत समझदार नागरिक हैं। अगर जब तक 15 लाख खाते में नहीं आते हैं तब तक हम लोग मोदी का पीछा या बाबा का पीछा, साक्षी महाराज का पीछा नहीं छोड़ेंगे। भैया क्या नाम है आपका? यार इसी बात इस बात किन मुद्दों को लेकर आप जनता मतलब वोट करेंगे? अभी जो बाकी बचे मुद्दे हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जो मतलब रह गए हैं उनको पूरा करें इन 5 सालों में बचे हुए जो है, जैसे कि अभी कश्मीर का मुद्दा है, पीओके को अपने कब्जे में लेना है वो भी बाकी पड़ा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको भी लेकर के आना है। इस तरह के कई सारे मुद्दे भी बाकी हैं जिनको हमारी इच्छा यह है कि इस बार 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी को अपना ये वादा पूरा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम गुप्ता है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? देखिए मोदी से मुझको केवल एक ही चीज ये शिकायत है, जो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, गरंजी कोई खाली नहीं है, और जो आजकल के युवा का टैलेंट है वो छुप रहा है कहीं भी। आजकल के बच्चे हैं वो मोबाइल और इंटरनेट में घुसे हुए हैं। क्या नाम भैया? भैया जयप्रकाश सिंह नाम है मेरा। मैं राष्ट्रहित के लिए ही जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं उन्हीं के पक्ष में भाजपा को वोट दूंगा। भैया क्या नाम है आपका? विमल पांडे। विमल जी किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा कोई है नहीं और इससे सशक्त हमारा देश का प्रधानमंत्री भी मोदी के अलावा कोई हो भी नहीं सकता, बस इसी के तहत हम वोट करना चाहते हैं मोदी को। दादा क्या नाम है आपका? मेरा अशोक सिंह। दादा इस बार जो भाजपा का नारा है अबकी बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको कि 400 पार हो पाएंगे? नहीं, 400 पार बिल्कुल होगा। किस तरह से आप कह सकते हैं? इस तरह से क्योंकि जो कार्य किया है प्रधानमंत्री जी ने वो सराहनीय काम है, देश विदेश सब जगह काम अच्छा किया है, इस वजह से 400 पार होना चाहिए। नारा मोहन जी किस मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? एक तो सबने पूनी रोड का चौड़ीकरण होना है और वो नहीं हो पा रहा है, और जो ना गंगा जी का पुल भी है। लेकिन हम लोग जो ना मोदी परिवार के व्यक्ति हैं इसलिए मोदी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, हर सूरत पर उनको ये बहुत चिंतित करेंगे हमको, क्योंकि हमारे परिवार के हैं वो ही। दादा क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर के मिश्रा बोल रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हम लोग पूरा परिवार है, जितने भी लोग यहाँ खड़े भारतीय जनता पार्टी का ही एक परिवार है, उसके साथ साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका देश नहीं दुनिया में डंका बज रहा है, जिनके आज कार्यकाल में जितना विपक्ष है वो एकतरफा होकर के नरेंद्र भाई मोदी जी को परास्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर जीतेगी सीटें, ये हमारा दावा है। अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी इंडिया गठबंधन जिसके साथ में कई क्षेत्रीय दल हैं छोटे बड़े और एक तरफ बीजेपी गठबंधन, क्या लगता है इस बार जो जनता है किससे चुन के सामने लाएगी? पहली बात तो इंडिया गठबंधन इनका नाम नहीं है, ये साले सब ठग हैं, इनका नाम होना चाहिए इंडिया ठग बंधन, ये सब लुटेरे सब एक होकर ठग बंधन बनाए और हमारे मोदी जी के खिलाफ ये सोच रहे हैं कि इनके जो विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे भी रोका जाए, कश्मीर में फिर से 3 पुत्र तो वो जो है व्यवस्थाएं करी जाए, तो ये इनके जो सपने साकार होने वाले नहीं है। हमारा पूरा वार्ड हमारा पूरा नगर मोदी जी का परिवार है, उनके साथ है, हम 400 पार करेंगे 101%। तो ये हमारे साथ जनता के मूड कार्यक्रम में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी, अपने मुद्दे रखे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार
मोदी जी का 400 पार जनता यहाँ की कराएगी। मैं योगेंद्र मिश्रा, उन्नाव नेटवर्क के लिए।